तो मैं गया, उसके बाद बड़े साहब से बात करने लगा। मैंने कहा सर उस बच्चे से मेरा कोई ताल्लुकात ही नहीं है। उसके बाद बड़े साहब ने उसके माँ बाप से पूछी क्या इस सद्दाम को तुम जानते हो, उसने कहा कि हाँ जानते हैं। उसी पे बड़े साहब मुझे मारने लगे, बाल उखाड़ के मारे हैं, यहाँ कंधे भी मारे हैं, पीछे भी मारे हैं, दो कांस्टेबल थाने पर पकड़े थे, एक पेड़ था उसी में सटाके लाठियों से मारे हैं। हाँ सर पैसे, हाँ पैसे के दीनानाथ सिपाही हैं, वो पैसे के लिए कह रहे थे कि पैसा मेरा आप तैयार रखे रहिएगा। कितना? 15-16 हज़ार मांगे थे, 4 हज़ार दिया हूँ अभी, और पैसा बाकी है देना। किस बात का मांग रहे हैं? सर वही पैसा जो बाकी था, वो बता रहे थे कि अगर पैसा तुम नहीं दोगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, गांजे में इकट्ठे में लगा के भेज दिया जाएगा। 12 हज़ार पैसा सर, यही पैसा बाकी था जो छुड़ाए हुए हैं। कैसा छुड़ा नहीं समझ पा रहा। 151, 157, 116 में चालान करके। उसमें कैसा पैसा मांग रहे थे? रिश्वत? हाँ रिश्वत मांग रहे थे सर, और कुछ पैसा उनका पहले का था, उसी का सब बचा था 5 हज़ार। कुल 16 हज़ार रुपये मांग? हाँ कुल 16 हज़ार सर मांग रहे थे, उसमें से 4 हज़ार दिया गया है। दो सिपाही एक दीनानाथ सिंह से, एक प्रदीप सिंह से, एक पुराना हमारे चौराहे के बगल में एक पुराना गांव है, उस गांव का भी मामला मेरे ऊपर लाद रहे थे कि तुम उस पर पैर भी कर रहे हो। आपने शिकायत की है इसकी? जी सर। कहाँ? यहाँ कप्तान के बिठा लिए थे। इस बात पर मारे तो पूछा नहीं आपने? अब पूछने तो वही नहीं, टाइम ही नहीं दे रहे थे। क्या पता लगा आपने इनसे बात? वही बाद में पता चला, दूसरे लड़के का मामला था, उसमें इनको बुलाया गया, बस वही था। सिपाही पैसा सभी मांग रहे थे क्या? अब इसकी जानकारी तो अभी इनको नहीं है। इन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है दो सिपाही, उनका नाम लिया है। हाँ वो तो है। नाम पता है उन दोनों सिपाही का? हाँ एक प्रदीप है, एक दीनानाथ है। क्या है ये सिपाही है? पैसा किस बात का मांग रहे थे? कितना? अब पैसा इनका कितना मांग रहे थे हमको नहीं जानकारी है, लेकिन ये हर मुकदमे में, हर मतलब मामले में लोग आ जाते हैं। तो आपके साथ पुलिस ने इनके साथ जाति क्यों की, क्या लगता है आपको? अब गलत किए पुलिस इसमें, भाई ये एकदम सीधा साधा लड़का है। मामला आया जिसमें दो सिपाही पे आरोप लगा, पैसे मांगे गए, नहीं देने पे पिटाई की आई युवक की। ये गंभीर आरोप लगा है और इस प्रकरण संज्ञान में आया है। हम लोग इसमें जो आरक्षी की भूमिका है उसकी भी जाँच कराएंगे और ये प्रकरण किन परिस्थितियों में घटित हुआ उसकी भी जाँच कराएंगे, और इसमें सही कार्रवाई करके इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।